ध्यान दे यहाँ सौरभ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। जो आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, और क्योंकि जिस रास्ते हम जा रहे हैं बहुत ही खतरनाक रास्ता है, और गाइस देखिएगा आगे का सफर कैसा होता है हमारा। तो गाइस हम निकल रहे अभी दादला से आदि गिलास की, और आज देखते हैं काला पानी स्टे करेंगे आज हम अबू भाई के वहाँ। और ये देखिए हमारे भाई को ये राइडर। यहाँ से सीधा आदि गिलास की ओर। ओ मामा जी गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी तवा घाट, और जो आप यहाँ से जा रहे हैं ये देखिए गाइस, ये देखिए ये रोड जाता है पंचाचुली, और ये देखिए ये रोड जाता है पंचाचुली। लेकिन गाइस आपको दादला से लेकर गरबा धार तक मतलब रोड एकदम सही है। तो अभी गाइस ये रोड आपको दिख रहा होगा, बस यहाँ से लेकर बांगला तक ये रोड एकदम हाईवे वाला बना है, एकदम मस्त रोड, मक्खन रोड है। ये देखिए गाइस नेपाल में भी रोड बनना स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छा काम चल रहा है नेपाल में, क्योंकि नेपाल रास्ते भी लोग आदि कैलाश के लिए आएंगे। और यह आपको दिख रहा होगा नेपाल में ये पांगला का एरिया है, पांगला तक पहुंच चुका है, और आने वाले टाइम में एक रोड जाता है गाँव की और एक रोड जाता है आदि कैलाश की। आपको सीधे सीधे बढ़ना है यहाँ से, अभी आपको मैं दिखाऊँगा रोड, और यहाँ से आप रोडिंग रोड हमारी शुरू होगी, जो बहुत ही खतरनाक रोड है रॉक के बीचों बीच। और ये देखिए जिसकी गाइस आपको दिख रहा होगा ऊपर रॉक ही रॉक है, और हम रॉक के बीचों बीच जा रहे हैं, और ये रास्ता सबसे खतरनाक है गाइस। ये लखनपुर से थोड़ा आगे को बढ़ता है, और पीछे का बैकग्राउंड देखिए गाइस कितना खतरनाक है। ये देखो गाइस एकदम धूल खाते हुए हमारा भाई यहाँ बैठा हुआ है ये। और तो भी गाइस देखिए सब भाई लोग अभी बैठे, पीछे काम चल रहा है अभी, ये देखिए पीछे काम चल रहा है। और हमारे सौरभ भाई कैसा लग रहा है? और ये देखिए बहुत ही मजा रहे हैं यार। तो ये देखिए गाइस वाह
पीछे, वहां देख वहां देखो। धक्का दे दो भैया। ये यहाँ यहाँ देखना, यहाँ देख, यहाँ सौरभ गुजर। हाँ निकाल दिया बाबा ने। कहाँ था पैदल पैदल? क्योंकि यार बड़ी गाड़ी के लिए तो जगह नहीं थी, छोटी बाइक के लिए हल्का सा जगह, तो भी भाई उन्हें उठा उठा के निकाल दिया। सारे किला खोद के आ रहे, तू रुक जा। चलो ये देखो गाइस, पुराना रास्ता आपको यहाँ से ऊपर दिख रहा होगा ना, तो फिर जब रोड रोड नहीं पहुँचा था तो यहाँ से जाते थे लोग यहाँ से ऊपर। और ये देखिए गांव वाले मिले थे एकदम मस्ती में भाई देख, सब लोग ऐसे में। अभी जो भाई रोड आने वाला है ना, बहुत ही खतरनाक रोड है। आप लोगों को तो पता है ये रोड कैसा है भाई लोग, इतना खतरनाक रोड है ना, देखो ये। लेकिन हमारे जो आप भाई ऐसे ही राइडर है, झेल लेते हैं। उतरू उतरू नहीं तो भाई ना, अभी उसका गाड़ी पहुंच गया। ये देखिए गाइस, इस स्कूटी का टायर फंस गया। चल ये देखो एकदम सुलटा हुआ स्कूटी। और ये देखिए एक्सपल्स, ये मालिपा गाइस। ये देखो मालिपा। तो फिर गाइस अभी जो जेसीबी है वो हमें साइड नहीं नींद रहता है। जैसे मैंने कैमरा निकाला अपना ब्लॉग स्टार्ट किया सीधे, उसने कैमरा देखते ही इतना हमें रास्ता दे दिया। कैमरा का ये पावर होता है गाइस, जिसके हाथ पे कैमरा होना गाइस तो लगाना छोटा बम बड़ा धमाका। और पीछे देखिए हमारे सौरभ भाई स्कूटर पर, स्कूटी पे नदी के लिए जाएंगे। जो अभी इसी रोड रात बेकार है स्कूटी का। ये राइडर कहाँ जा रहे हो? महादेव से मिलने। बम बम
कांवर में चलने वाले तक की रोड में कहाँ रहे यार। बम बम बोले तो फिर गाइस हम जब भी हुए अपने गांव की ओर आते तो हम लोग सजा देते अपने से सहमा को, दिख रहा होगा आपको है पूरे रास्ते पर हम सजा देते हुए जाएंगे और भाई की गाड़ी वहां खड़ी है। और यहां देखो यहां पे यहां से आता झरना फिल शक्ति का और इतना सही वाला छीटा रहा है यहाँ पे, एकदम ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। हेलो गाइस, आप देख सकते गाँव के मिस्टर, आपका नाम क्या है? आदित्य बुदियाल। नजारा यहाँ से स्टार्ट होता है। प्लीज जब आप लोग आओगे तो इस झरने का आनंद जरूर लो। गर्मी के टाइम और हमारा ये यहाँ का ये फर्स्ट स्टार्ट यहाँ से होगा। जब आप आओगे आप लोग की जर्नी स्टार्ट होगी तो फर्स्ट यहाँ आप होल्ड करके इस झरने का आनंद लेना। बिल्कुल ये झरना 100 फीट की ऊंचाई पे है। ये 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरते हुए पूरा ये यहाँ आते हुए इसका ये वाटरफॉल। और गाइस ये देखिए एक्सपल्स जो इसका रिजल्ट जो अपलोडिंग में आ रहा है बहुत ही शानदार है। ये भाई ने लिया है ये एक्सपल्स, मतलब और अपलोडिंग के लिए सबसे बेस्ट रहा है, मतलब कुछ दिक्कत नहीं हो रहा हमें तो। और स्कूटी वाले भाई सब चले गए और अभी पानी कम है लेकिन झरना बहुत शानदार आता है इधर। और हम चलते गाइस अपने गांव की ओर जो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है यहाँ से। और ऊपर देखिए गाइस, शानदार व्यू है। अभी गाइस मालवा से हम आगे आ चुके हैं, वहां से उसके बाद आएगा छंगंडे आएगा गाइस, वहां से उसके बाद लामारी, फिर वहां से उसके बाद बुद्धि पहुंचेंगे। हम बुद्धि में रुकेंगे, हमारा बैग भी वहां है क्योंकि बुद्धि तक ही जा रही है भाई की गाड़ी जो पीछे आ रही है। बुद्धि में रुकेंगे, वहां पे बैग है पकड़ के चलेंगे आगे की ओर। देखते आज कहाँ टेस्ट है, काला पानी का टारगेट है आज। और ये देखिए गाइस ऐसे रोड में भी बाइक इतना सही चल रहे ना गाइस, पूछो मत। ये पूछे हम छंगंडे अगर यहाँ से ये छंगंडे पूछे अभी भाई छंगंडे तो यहाँ से बुद्धि कुछ ही दूर है हमारे के पास। तो फिर गाइस नीचे ही आपको दिख रहा होगा ये लामारी है जो रोड ऊपर कट चुका है ये देखिए लामारी। तो फिर गाइस देखिए एक लोकेशन है बुद्धि और लामारी के बीच में, कितना शानदार झरना है यहाँ देखिए गाइस। ये झरना देखिए गाइस कितना शानदार झरना है इधर, वाह मजा आ गया। यहाँ का पानी इतना शुद्ध है ना गाइस, हम पानी भी पी सकते हैं, पानी भी गया आज शुद्ध वाटर। यहाँ पानी इतना मीठा है ना गाइस पूछो मत, मजा आ गया। और ये देखिए अबू भाई पानी भी ले जा पानी।
ये देखिए गाइस, ये हमारा देवी मंदिर है बुद्धि का, है पन्मसले बुद्धि। दो भाई बातचीत कर रहे, दो राइडर बातचीत कर रहे, रोड कैसा लगा, तेरा बाइक गिरा कि नहीं गिरा, और इसका बाइक नहीं गिरा, बातचीत कर रहे दोनों राइडर। तो फिर गाइस हम पहुंचने वाले बुद्धि अपने गांव, फिर थोड़ा बैठेंगे वहां से चलेंगे अपने रिश्तेदारों से मिल के, और पीछे देखिए हमारा सारा बाइक राइडर एकदम स्कूटी को बुझाते हुए आ रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा डामर रोड लेक एस बैंड तक, और उसके बाद कच्ची रोड है पूरा। बस गाइस आपको यहीं मिलेगा डामर रोड। ये देखिए यहाँ से डामर रोड आप होते हैं सुन, ये देखिए गाड़ी के साथ भगाते हुए अबू भाई। हेलो प्रणाम, सही है सही है। क्या हुआ होटल सर? पहले गेट लगा के रखता है यार, गेट लगा के देते हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे काम यार, गरीब का लेबर हूँ यार, खाली आप लोग जीते ना। नहीं है कोई नहीं, कोई नहीं इधर। ये देखिए गाइस बुद्धि गांव पहुंच चुके हैं, बुद्धि गांव का खट्टे है ये खट्टे। ये देखिए हमारे काकू भाई का घर, बहुत सेब का बगीचा है इधर। आज यहाँ स्टे करेंगे हम लोग। सौरभ भाई एकदम बैग देखो, एकदम कौन सी कंपनी का है यार, क्या कंपनी का तो नाम नहीं है, अबे फर्जी है ये तो। यूला ना चोर चोर बाजार वाला ये भाई इतने आ गए। और ये देखिए ये हमारा विलेज है, अभी आपको दिखाऊंगा इस साइड है विलेज, और ऊपर हमारे सातों लोग हैं। ये देखिए ये हमारे किंगर की हीरोइन निबू मासिम करके आ रहे इधर, ये उन्हीं में स्टे किया, और एक नैनीताल के एक छंग के, और अभी ताला से निकलेंगे। ये देखिए हमारे केचप भाई आ रहे, अभी होम में चुपती उपती पहन के मफलर डालेंगे, और राइजिंग वाला केचप थ्री के हीरो है जो। ये देखिए ये हमयो ये वाओ मानना पता है क्या, साउथ के जे बोला वैसे थ्री का हीरो है यार तू, वैसे ऐसा टू थ्री का हीरो तो है, हीरो तो है थ्री का वैसे। ये बॉय दैट्स इट, कार्तिक में यहां से जाते हो वैसे केजे वाला हीरो वाला। तो फिर गाइस हम पहुंच चुके फाइनली धारला से बुद्धि, और हम तीन जने आए थे, और तीन जने में से एक भाई स्कूटी लेके काला पानी को निकल चुका है, और हम लोग कल को मॉर्निंग में पूजा पाठ करते हुए अपने गांव में दिया बाती करके, पूजा पाठ करके, तजाजा दे के, और भगवानों को याद करके, और
हम जिस यात्रा में जाते तो गैस हमारे एक नियम होता है कि भगवानों को पूजा पाठ करते हुए जाते हैं, क्योंकि गैस और कर का ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और गैस कल का ब्लॉग जो आने वाला बहुत ही तबाही होने वाला है। और गैस हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।